आपने सुना था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से दिलवाले दुल्हनिया लेकर आएंगे, ये करके दिखा दिया कोलकाता के समीर खान ने। पाकिस्तान की दुल्हनिया से हमारे संवाददाता परवेज हाशिम ने क्या बातें की, आइए जानते हैं। आज हमने न्यूज दिखाया था जबेरिया खानम को लेके कि पाकिस्तान से वो कोलकाता शहर सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि उनकी मोहब्बत उन्हें मिल जाए, और हमारे सामने पाकिस्तान से जो आई हुई है जबेरिया खानम, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप कोलकाता शहर आई हैं। बहुत शुक्रिया। क्या बोलना चाहती, कैसे आपका लव हो, जरा बताएं। हम लोग का लव जो हुआ था वो हम लोग के घर वालों ने हम लोग का रिश्ता तय किया था। फिर हमारी पहली मुलाकात, उस टाइम हम जान रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, हमारा रिश्ता फिर पक्का हो गया था। थाईलैंड में हम पहली मुलाकात हुई थी हमारी, तो ऐसे। तो क्या लगा, कैसे इनसे आपको फर्स्ट लव हो गया? मैंने मम्मी के फोन में फोटो देखी थी, फोटो देखते ही लव हो गया था। फेसबुक इंस्टाग्राम कहाँ पर? मम्मी की गैलरी में। अच्छा जी, पहले से क्या रिलेशन था कुछ? जी पहले से रिलेशन था, ये मेरी मम्मी के कजन भाई की बेटी हैं, और उस टाइम शादियों की फोटो आई हुई थी मम्मी के फोन में, मैं देखने गया था अपनी फोटो, लेकिन दिख गई इनकी फोटो, और वही फोटो देख के मुझे प्यार हो गया जी। और मैं फिर इंतजार कर रहा हूँ। बहुत कम देखा जाता है पाकिस्तान की कोई लड़की यहाँ पर आके, वो लोग हिंदुस्तान में आके सेटल होती है, लेकिन ये क्या लगता है लाइफ टाइम के लिए सेटल हो जाएगी यहाँ पर? जी जी जी, मैं इंशाल्लाह यहीं मैं रहूँगा जिंदगी भर, और यही मेरे साथ रहेंगे जी। वीर ज़ारा में देखा गया है, जिससे फिल्म बनता है, लोग पिक्चर में देखते हैं, रियल लाइफ में हो सकता है बहुत कम ऐसा वाकया होता है। इसके आपने कभी वीर ज़ारा देखा मूवी? वीर ज़ारा हाँ जी, थोड़ी बहुत देखी हुई है मैंने, पूरी नहीं देखी थी। बट जहाँ तक बात है रियलिटी की, तो अभी तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जितनी हेल्प करी है, तो वो ऑब्वियसली वो आगे भी ज़रूर करेंगे हमारी मदद। तो और एक मकबूल अहमद साहब ने भी हमारी बहुत हेल्प करी है, जो कादियान से हैं, पंजाब से। तो हम लोग इंशाल्लाह यहीं रहने के हमारे भी प्लान्स हैं। अच्छा जवारिया, ये बताएं पहले कि आप लोग शादी कब कर रही हैं? हमारी शादी है 6 जनवरी 2024 अगले साल। तो कुछ पाकिस्तान से कुछ लोग आए हैं यहाँ पर? मेरी फैमिली नहीं होगी, क्योंकि इस दफ़ा वीज़ा सिर्फ मेरा अप्लाई किया गया था, तो मैं उनको बिल्कुल बहुत मिस करूँगी। बाकी हम हेल्प लेंगे कि चाहे वो हम लोग को शादी में ज्वाइन कर सकें। कोई परेशानी हुआ इनको लाने में? कोई परेशानी नहीं हुआ, हम लोग को बहुत अच्छा स्वागत हुआ वाघा बॉर्डर पे, और आपका हम लोग वहाँ से सेलिब्रेट करते हुए आए हैं, आज दूसरा दिन है इंडिया में, कोई परेशानी होनी है, बहुत अच्छे से वेलकम हुआ इनके इंडिया में। आंटी से एक सवाल करते हैं, आपको बहू पसंद है? बहुत जी, बहुत ज़्यादा। देखा तो वैसे ही मिली आपको? जी जी, ऐसे ही मिली। बहुत अच्छी लगा कि मेरे पास मेरी बहू आ गई, वही सबसे अच्छा है। ये सोच था कि पाकिस्तानी बहू मेरी बनेगी? बस ये नसीब की बात है कि कैसे समीर की शादी हुई और बहुत अच्छे से लेके आए, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी बेटी हमारे पास आ गई। तो लास्ट में आप क्या हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी इख्तिलाफ होता है, क्या बोलना है, क्या मैसेज देना? मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी गवर्नमेंट से हेल्प मांगें तो वो ज़रूर मदद करते हैं। यहाँ पे भी इंसान है, वहाँ पे भी इंसान है, दोनों जगह मोहब्बत करने वाले लोग हैं, समझते हैं। तो जैसे हम लोगों ने अपना केस उनको बताया कि ये हमारा इशू है, ये सिचुएशन है, तो उन्होंने हमारी इतनी मदद करी है, तो बाकी सबकी भी ऑब्वियसली वो करेंगे। समीर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैं ये बोलना चाहूँगा, इंडिया खासतौर जी, इंडिया पाकिस्तान के दोनों जगह जो लोग हैं उन लोगों में बहुत प्यार है, और आई थिंक गवर्नमेंट भी अपने रिलेशन अच्छे कर सकती है, और इंसान इंसान होता है, और साथ में मिलकर चलेंगे तो अच्छा होगा। बहुत थैंक यू। अंबर बैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें, 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।